9 बजे से मेरा पेपर है और अभी 8 बज रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आ रहा है। आप लोगों को भी पता है मेरा एक एग्ज़ाम था, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा चलो आज ही से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हमें निकलना है हल्द्वानी के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हल्द्वानी में है। और हम लोग हो गए हैं रेडी और आज आया है वह है रिंकू, जो जिसकी नींद खुली हुई है अभी, और सोना। तो गाइस चलते हैं और एग्ज़ाम देके आते हैं। तो विश मी लक, मतलब मैंने अपनी तरफ से तो ट्राई किया है, बट होगा या नहीं होगा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से ना पढ़ाई छूटी हुई थी, तो ये लगभग 1-1.5 हफ्ते में ही मैंने जो कुछ भी पढ़ा है। देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और इस टाइम पे बच्चे तो सो रहे हैं, तो उन्हें ऐसे ही बाय बाय करके चलते हैं। तो भगवान जी का नाम लेते हैं। कोहरा ज्यादा है। हाँ, कोहरा ज्यादा है। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं, तो नहीं आ रही। जो आएगी तो रोक लेना, कोई बात नहीं। गाइस बाहर देखिए कितना ज्यादा कोहरा है, बहुत ज्यादा कोहरा है। और इसमें ना पता, ऑटो वालों ने तो वो लाइट ही नहीं ऑन कर रखी अपनी, हेजल लाइट जो होती है ना। फाइनली उजाला हो गया है और कोहरा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हो गया काफ़ी ज़्यादा लेट। 9 बजे से मेरा पेपर है और अभी 8 बज रहे हैं, और बस अब जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। ये कोहरे की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्लो स्लो हम लोगों की गाड़ी चल रही थी, और फिर भी अभी स्पीड पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो लेट हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी को भगाना पड़ेगा। सोना पहुंच जाऊंगी मैं, कोशिश पूरी है, सुबह से लगे हैं कोशिश पूरी करने में। तो गाइस सोना भी ना कल रात ये 11-12 बजे तक ऑफिस का काम कर रहे थे और फिर सुबह 3 बजे ये उठ गए। तो सोना नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, अभी नहीं आ रही। वो पहले आ रही थी रामपुर के, मुरादाबाद के वहां पे आ रही थी। ये लो यहाँ पे लगा है फाटक। सोना क्या लगता है, पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, मतलब 1.5 घंटे पहले ना गेट खुल जाता है, पर कोई बात नहीं। अगर मतलब गेट खुल गया तो क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, गेट ही तो खुला है ना। अभी लास्ट टाइम गेट खुलने तक मैं पहुंच गई थी, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हर बार पहुंच जाऊँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो चलेगा। बस वही है ना कि दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा बंद होता है पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले। पेपर जैसे 9 बजे से पेपर स्टार्ट है, तो 9 बजने में 15 मिनट में पेपर बटना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम उसके बाद कोई नहीं आ सकता पेपर बटने लगा तो। सो गाइस फाइनली सोना ने मुझे पहुंचा ही दिया है एग्जाम सेंटर तक, तो थैंक यू सो मच सोना। तो अब गाइस पेपर दे के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पेपर पता नहीं कैसा होगा, लेकिन तो गाइज एग्ज़ाम दे लिया था और एग्ज़ाम मतलब नॉर्मल रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहा। बस अपनी करनी कर ली है और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है, कुछ ज़रूरी सामान जो लेना था वो भी ले लिया है, और अब चलते हैं वापस नोएडा को। नोएडा जाने से पहले कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ना बस मैंने थोड़ा बहुत ही ऐसे स्नैक वगैरह ही खाए थे, तो चलो कुछ खा भी लेते हैं। पानी की बोतल, अच्छा हो तो पानी की बोतल। तो गाइस पेट पूजा भी हो गई है, अब चलते हैं वापस नोएडा। वहाँ कर रहे होंगे बच्चे हमारा वेट, पहले एक बार उनको वीडियो कॉल करके देखते हैं। सुना वीडियो कॉल करें, कौन है? कौन है?
माँ है, लक्ष्मी, लक्ष्मी मम्मा, माँ लक्ष्मी बोले कौआ। मम्मा, पापा कहाँ है? अरे पापा कहाँ है? बोले ये ये मम्मी पापा पापा को किस कर रहे ऐसे? पापा बोलो, नक्स, लक्ष्मी पापा गाड़ी कैसे चलाते हैं बोले बेटू? पापा। चीजें अच्छे करते हैं, क्या कर चीजें रहा है? अच्छे मुंह करते में हैं। उंगली डाल ली। अच्छा एड मम पास्ता फिर तुम लोग कब आओगे? हम लोग तो फिर अब खा के ही आएंगे, चलो अब तो लेट ही हो जाएगा, ठीक है। 12 बज जाएगा शायद हमें पहुंचते पहुंचते। ठीक है ये भी लेट से या 7 बजे हैं उठ रहे हैं। हाँ अब नाचेंगे चलो थोड़ी देर। हाँ अब नाचेंगे। हाँ आओ खाओ ना, सिर्फ एग खाओगे आप, नहीं खाओगे को तो एग अभी ये नहीं खाना लगाने में है? लगा, हमें इल्ली लगा आओ दूँ भी लगा हो गया। नक्श कहाँ जा रहे हो बेटा? नक्श रुको, ए नक्श रुक जाओ बेटू। अच्छा दरवाजे पे। मुझे बादल मतलब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाहर कहाँ चल दिया, कहाँ वो हमको तो कहाँ नहीं जा ढूंढ रहे हो? रहा। नक्श पिकअप पिकअप चलो नक्शु ना, कहाँ? लेकिन होगा सब कमरे में चहल होगी। पिकअप ये नक्शु, मम्मा पढ़ाई कहाँ करती है नंदनी बेटा? अच्छा को, नंदनी सोई है ना? क्या क्या ओ लक्ष्मी, नंदनी ठीक है ना? हाँ बाय। चलो हाँ ठीक है। ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। तो गाइज अभी 10:30 बज रहे हैं और फिर से लगने लगा है कोहरा इतना ज्यादा, और पता है बिल्कुल भी सामने दिखाई नहीं दे रहा। वो तो हमारे आगे ये वाली गाड़ी आ गई, तो अब हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी तक हम बस बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। सुना कैसे चल रहे थे? कैसे? सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा गाइज, कुछ भी नहीं, किसी ने लाइट भी नहीं जलाई है। वैसे तो अभी तो कोई भी चल भी नहीं रहा। को तिनके का सामान एक 4-5 लाइटें मिली, 4-5 लाइटें मिली। शुल्क प्लाजा जर्सी आ गया, ये आने वाले हैं अब तो घर अपना। तो गाइस फाइनली सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर लिया है और हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और कोहरा यहाँ पे भी काफी ज्यादा लगा हुआ है। तो गाइस फिलहाल घर के अंदर भी पहुंच गए हैं और रिंकू का यहाँ चल रहा है काम। तो ये रात में भी काम करता है, सुबह भी काम करता है, तो ये बहुत ज्यादा काम करने वाला लड़का है हमारा। और बच्चे कर रहे हैं आराम, तो हम लोग भी अब सो जाते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 12:15। तो पूरे सुबह हम लोग सवा सा सुबह हम लोग 3:30 बजे निकले थे और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं 12:15। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी हमारी हो गई। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो भी कल से काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके पास आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।